नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सारांश। सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। आज है साल का पहला दिन, और पहले दिन पे हमारी तैयारी कुछ इस तरीके से है कि अभी झाड़ू पोछा हो गया और ये टेबल पे सावन रखा हुआ है, सारा हवन का है। अभी हवन होगा, आहुति डलेगी, मम्मी पीनू नहा लिए, पापा गए हैं नहाने, उसके बाद मैं जाऊंगा नहाने, फिर मेरा ट्यूशन है, मैं ट्यूशन जाऊंगा। और आज कुछ मतलब न्यू ईयर है तो मम्मी से कह के जुगाड़ करके नए कपड़े पहनेंगे। भगवान जी भी नहा भगवान लिए। जी भी नहा लिए हैं इसकी तरह भगवान जी को भी नहला दिया है, और भगवान दीपक को सब जला दिया है। और सुबह के लिए नाश्ते के लिए आज जैप्टो से मंगा ली थी मैगी। अभी बने मैगी बनाएंगे पूजा हवन हवन करने के बाद, और दोपहर में बनेगा अरहर की दाल, चावल और रोटी। मेरा तो कल का वो सैंडविच का पेस्ट रखा है, तो वो मैं वो ही ला खा लूंगा। मम्मी जिस पर हवन करने से पहले कोई कुछ नहीं खा सकता, इसलिए तुम्हारा ये बोलना व्यर्थ है। भाई मेरा सामान फैल जाएगा। हम नहीं मानते। नहीं, सामान फैल जाएगा। हम नहीं मानते। नहीं, अगर अगर नहीं तो उसे बंद कर देना। तो किसे? तो यहाँ पर हवन की मैंने फुल सामग्री कर दी है और सब कुछ रख दिया है, और अभी देख लेते हैं, अगर कोई कमी हो तो पूछ लेते हैं पंडित जी से। हमारे पंडित जी हमें बता देंगे कि कोई कमी तो नहीं है। वैसे तो मोस्टली सब रख ही दिया है मैंने। यहाँ पर मेरे भगवान जी भी नहा लिए हैं, और भाई पूजा हो चुकी है नव वर्ष की। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सब खुश रहें, मस्त रहें, और सबसे बड़ा स्वस्थ रहें। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जिस तरह से आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना हुआ है, हमेशा बना रहे, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं 2023 सबके लिए नई खुशियाँ, नई उमंग, नई उत्साह लेके आए। आज हम दिन की शुरुआत अपने यज्ञ विधि हवन से कर रहे हैं, और ये यज्ञ कुंड हमारे मामा जी ने दिया है, जो आर समाज के बहुत प्रख्यात विद्वान हैं, आचार्य श्री इंद्रदेव शर्मा जी नाम है उनका। के यूट्यूब पे कई ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, वो डालते रहते हैं सुख वीडियो, जिसमें घर की सुख शांति कैसे हो, कौन से मंत्र का कैसे उच्चारण करना चाहिए, समय समय पर कोई समस्या आया तो उसका समाधान क्या है। तो आचार्य इंद्रदेव शर्मा जी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और मामा जी ने ही हमें यह हवन कुंड दिया था। हवन करो घर में तो शांति। घर में डेली तो हम नहीं करते, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कोई तीज त्यौहार होता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ये ज़रूर करें। और इससे हमारा बहुत पुराना नाता है। एक्चुअल में मैं भी जिस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी वीक में एक दिन हवन होता था, और मेरे पापा भी शुरू से जुड़े रहे समाज से, तो ये हवन कल्चर हमारे घर में बहुत रहा है। मैं चाहता हूँ ये आगे भी बढ़े, और हमारी धर्मपत्नी जी ने सारी तैयारियाँ कर दी हैं। हाँ, और आज सबसे बड़ी बात, हमारे भांजे का है जन्मदिन। हाँ, तो उसके लिए भी हम आज प्रार्थना करेंगे, और यशस्वी बने, तपस्वी बने, व्यस्त जिंदगी में आगे बढ़े। 1 जनवरी को ही हुआ था। कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कान्हा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं भैया, बहुत खुश रहे, तरक्की करे, और माफी चाहते हैं हम नहीं आ पा रहे, लेकिन यहाँ से आपको देखते रहते हैं, और यहाँ से आपके लिए दिल से प्रार्थना। दिल से प्रार्थना है आपके लिए। चलो अब शुरू करते हैं। झूले राजा आ चुके हैं, काय के लिए तैयार हो गए। ये देखो, और भाई एक आ गए हमारे यजमान। चलो। यत्र देवा अमत मान शाना सती धामन्य देर यंता ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वानि दे भव युनानि विद्वान युयो जस्म जूरा रमेनो भुवि स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजूर देवेन सवित्रा सजूर। मनसिक बल दीजिए वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे जी। यज्ञ सफल हो चुका है हमारा। अभी हम जितने भी हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं
उनके आशीर्वाद लेंगे। पापा जी हैप्पी न्यू ईयर, मम्मी जी हैप्पी न्यू ईयर, पैसे दो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाबा हमेशा पूजा करने बाद पैसे देते हैं ना? पैसे लेके नहीं बैठे हैं ना? ओह हाँ, ये भी है। तो यज्ञ के बाद सारे बड़े बड़ों के पैर छूने चाहिए, तो मेरे चरण यहाँ हैं। आप खुद आएंगे या मैं लेकर आऊँ? आप लेकर आइए, शांति से आइए और छूइए। ऐसे नहीं करते, ये हमारे बेटा, ये हमारे वो होते हैं, संस्कार होते हैं। बेटा हाइट में नहीं, तुम 6 साल छोटे हो मेरे से। चलो पैर छुओ, आशीर्वाद बेटा, सदा खुश रहो। अरहर की दाल चढ़ चुकी है, बहुत टाइम से अरहर की दाल चावल नहीं खाए हैं, तो अरहर की दाल बन रही है डिमांड पर, जो कि हो चुकी है, मैं कर देती हूँ। तो गाइस यश और आ चुका है मेरा क्लासमेट का, और ये मानवी इसके, और ये इसके बहुत मजे ले रहा है तब से। तो गाइस अभी चलते हैं नोवेश, और नोवेश और हार्दिक को फूड कोर्ट चले गए, उधर जाके देखते हैं। तो गाइस यहाँ हमारा सामान आ चुका है, यहाँ सब बुखड़े बैठे हुए हैं। ये तो भाई चेहरा चुभा रहा है, ये तो सबसे बेट, और ये नीतीश भी है इसको, भाई भाई सब खाने में लग जाओ, ये तो खा ही रहा है बीच बीच में एज यूजुअल। अब उससे मत का अपना ले लो सब। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बाद में मिलेंगे आपसे। गाइस इस समय हम लोग जा रहे हैं इंदिरापुरम विकास अंकल के घर पे, तो खाना वाना सब हो गया है। ये मम्मी जी भी पार्टी करके आ गई हैं, तीनों भी पार्टी करके आ गया है, मैं और पापा घर में ही थे। कमेंट में प्लीज बताना मैं कैसे लग रही हूँ पंजाबी लुक में। वैसे पापा कायदे से तो सिर्फ मेरे को और आपको जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी और पिनू तो पार्टी कर आए हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अंकल के घर पे, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ क्योंकि सबको कवर करना है। ये शूर है क्या? मल्टी स्टोरी बड़े के लिए अंकल के लिए, ये आंटी ये अंकल का बाकी अंकल बता देंगे। गुड गी, गुड मॉर्निंग, आपके लिए गिफ्ट लाए हैं भैया। चॉकलेट भाई खुशी ने कैफे खोला हुआ है, तो सबको ही डिमांड पे, सबको जो जो चाहिए। तो मुझे चाहिए थी आइसक्रीम, तो मेरे पास चॉकलेट आइसक्रीम आ चुकी है, और ये देखो सारांश डाइट पे है, तो उसके लिए मिल्कशेक आया है, मेरे को कॉफी मिली है, कॉफी और पेस्ट्री, पेस्ट्री ये लो, और विद हनी के साथ, हनी हनी भी है। और अब नेक्स्ट पेस्ट्री गंदी हो गई। मम्मा के लिए क्या है? वैनिला, मेरे लिए वैनिला, वैनिला केक का पीस। ओ स्ट्रॉबेरी, एक्सचेंज कर लो आप, स्ट्रॉबेरी ले लो। आपको लेना है? खाने के लिए रेडी है सब, आने वाला है खाना, आने वाला है। मैं चालू हो चुका है, खाना है सारांश भाई, और ये मौज, और आप भी खुशी भी खाना खा रहे हैं, है ना? मौज है सारांश, बहुत टेस्टी है, पीनू मौज। तो अभी मेरे पास है ये लो, तो अभी पार्टी खत्म हो गई, अब हम जा रहे हैं घर पे। थैंक यू अंकल बुलाने के लिए, बाय खुशी, बाय बाय। अब नहीं, मैं, अब हम कल परसों में आके रहेंगे, मेरा कल स्कूल है ना। नहीं। अरे आप यहाँ खड़े हो, गाड़ी कौन ला रहा है? सारांश भाई। ओहो सारांश भाई, गाड़ी चल रही है, दौड़ रही है भाई। चलो भाई अच्छे से संभल के, रोक का। तो गाइस घर आ गए हैं, और अब मैं वीडियो एडिट वगैरह करने बैठूंगा। चलो न्यू ईयर बहुत अच्छा मना गाइस,
और अब बारी इस लोग को एंड करने की। ब्लॉग से ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना। तो ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे कल सुबह नए तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ।